गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में पहले हम लोग जो है सिक्स टाइप का प्रोफाइल पढ़ेंगे, उसका सिचुएशन पढ़ेंगे कि क्या सिचुएशन होगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा और उसके बाद उसका कंडीशन क्या होगा। तो छह टाइप का प्रोफाइल को हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो समझना है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू के के वन के टू वेयर के के वन के टू बिलोंग्स टू रियल नंबर और के वन इज लेस देन के टू, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का पोजीशन बताना है के के वन और के टू के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे ये तीनों क्या है रियल नंबर है और के वन से बड़ा के टू है। तो अब हम लोग जो है टाइप बाय टाइप अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसका सिचुएशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ और फिर कंडीशन। तो टाइप वन क्या है, टाइप फर्स्ट है, इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें सिचुएशन है अब देखिए पहला टाइप में सिचुएशन है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब k जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में है। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो मेरा ग्राफ ये बनेगा। ये x एक्सिस है, तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो है जैसे रूट्स के बीच में k का वैल्यू है, तो पहले a पॉजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं, तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा और रूट्स को कट करेगा, अल्फा बीटा को कट करेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ये किस सिचुएशन के लिए ले रहे हैं कि जब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और k जो है ये दोनों रूट्स के किसके बीच में है, यानी कि k यहाँ पे है, के जो है दोनों रूट्स के बीच में है। अब यहाँ समझिएगा कि ए जब पॉजिटिव है तो इस पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव, इस पार्ट में निगेटिव और इस पार्ट में पॉजिटिव। बताए थे कि साइन स्कीम में बताए थे कि जब ए पॉजिटिव रहे तो इस पार्ट में और इस पार्ट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम होता है। तो ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच वाले पार्ट में अपोजिट हो जाता है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव। तो एफ ऑफ के क्या आएगा, एफ ऑफ के आ जाएगा आपका निगेटिव। अब ये तो हम लोग जो है ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ देखे, अब ए निगेटिव के लिए देखते हैं। तो ए निगेटिव के लिए लीजिए, तो ए निगेटिव के लिए लेंगे तो ये ग्राफ बनेगा ए निगेटिव के लिए, के इसके बीच में है, ये अल्फा बीटा हो गया और ये ए निगेटिव है। तो यहाँ देखिए ए निगेटिव है तो ये पार्ट निगेटिव, समझने के लिए लिखते हैं ये पार्ट पॉजिटिव और ये फिर ये पार्ट निगेटिव। तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो मेरा ग्राफ हो गया ये। अब कंडीशन, दोनों ग्राफ को देखते हुए अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो मेरा कंडीशन ये बनेगा, देखिए ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा। यहाँ जब ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे तो ये मेरा कंडीशन आएगा ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। तो यही कंडीशन आ गया आपको,
अब ये कंडीशन को याद रखना है। याद कैसे रखना है कि जब इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में है, तो उसका ये कंडीशन हो जाएगा ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। यहाँ पे सेकेंड टाइप देखिएगा, फर्स्ट टाइप समझे, अब सेकेंड टाइप समझना। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है के वन एंड के टू लाई बिटवीन एफ ऑफ बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब के वन और के टू जो है, दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में है। तो ग्राफ इसका देखिए, के वन और के टू दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में है, तो इसका ग्राफ समझिएगा। तो ग्राफ यहाँ पे जो है, पहले इसके लिए लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है। अब जब ए पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये ए पॉजिटिव के लिए है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब देखिए के वन और के टू जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में है, तो के वन यहाँ पे आ गया और के टू यहाँ पे आ गया। अब हम लोग जो है ए पॉजिटिव लिए हैं, तो मेरा ए पॉजिटिव है तो इस पार्ट में पॉजिटिव होगा, पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इस पार्ट में भी पॉजिटिव होगा और इस पार्ट में निगेटिव होगा। ये आपको समझने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए जब पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के वन आ जाएगा, इस पार्ट में तो निगेटिव है तो लेस देन जीरो। अब एफ ऑफ के टू क्या आएगा, एफ ऑफ के टू भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए ए पॉजिटिव के लिए लिए, अब ए निगेटिव के लिए हम लोग देखते हैं। अब ए निगेटिव के लिए देखेंगे तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये के वन और ये के टू। पहले ही हम लोग लिख चुके हैं कि K1 से बड़ा K2 है, तो K2 को हमेशा राइट साइड लेंगे और K1 को लेफ्ट साइड लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि A निगेटिव है, मेरा A क्या है, निगेटिव है, और इस पार्ट में देखिए निगेटिव, A निगेटिव है तो इस पार्ट में निगेटिव, इस पार्ट में पॉजिटिव और फिर इस पार्ट में निगेटिव आएगा। अब देखिए A निगेटिव है तो एफ ऑफ K1 क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ K1 मेरा आ जाएगा पॉजिटिव और एफ ऑफ के टू क्या आएगा, एफ ऑफ के टू भी मेरा पॉजिटिव आएगा। अब दोनों को ग्राफ को देखते हुए अब हम लोग कंडीशन क्रिएट करेंगे, तो कंडीशन मेरा क्या आ जाएगा, तो कंडीशन समझिएगा कि देखिए जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन क्या है, निगेटिव है, और ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के टू क्या है, निगेटिव है। इसमें भी देखिए जब ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के वन क्या है, पॉजिटिव है, और ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के टू क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब ए इंटू एफ ऑफ के वन लेंगे तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा, या ए इंटू एफ ऑफ के टू लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव आएगा। यहाँ भी समझिएगा ए निगेटिव है और एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर निगेटिव आएगा। और फिर देखिए ए निगेटिव है, एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके निगेटिव आएगा। तो मेरा ये कंडीशन बनेगा कि ए इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो। इसके अलावा ये भी कंडीशन बनेगा ए इंटू एफ ऑफ के टू इज लेस देन जीरो, इसके अलावा ये भी होगा। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कराएंगे, इसीलिए सिस्टम का साइन ले लेते हैं।
ये सिंबल, ये जो है ये सिस्टम का सिंबल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इनक्वालिटी है इसको सोल्व करके उसके बाद इंटरसेक्शन करा देना है। थर्ड टाइप समझना है, थर्ड टाइप का सिचुएशन, सिचुएशन क्या रहेगा एग्जैक्टली, वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लाई बिटवीन के वन एंड के टू। टाइप थर्ड का सिचुएशन समझना है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लाई बिटवीन के वन एंड के टू, मतलब एक रूट जो है के वन और के टू के बीच में है। तो सिचुएशन को पहले समझना है और ग्राफ देखते हैं कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा। सिचुएशन और ग्राफ को ध्यान से देखना है तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए जब ए पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये बनेगा। अब ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, ये अल्फा बीटा पे कट करेगा ग्राफ। अब देखिए उसके बाद समझना है कि एक रूट जो है इसके बीच में है, के वन और के टू के बीच में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग के वन लेते हैं और यहाँ पे के टू लेते हैं तो अल्फा जो है के वन और के टू के बीच में आ गया। तो कंडीशन मेरा क्या था, सिचुएशन यही है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन के वन एंड के टू, एक रूट जो है के वन और के टू के बीच में है। तो अल्फा आ गया के वन और के टू के बीच में। अब इस केस में देखिए हम लोग तो ए पॉजिटिव के लिए लेके चलते हैं तो ये मेरा ए पॉजिटिव हो गया। और जब ए पॉजिटिव है तो इस पार्ट में आपका पॉजिटिव होगा, ये मिडिल पार्ट में निगेटिव होगा, फिर यहाँ पे इस पार्ट में पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ के वन क्या होगा आप ही लोग बताइए। तो एफ ऑफ के वन पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ के टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के टू जो है निगेटिव होगा। अब यहाँ पे समझिए तो ये तो हम लोग का ए पॉजिटिव के लिए हो गया, अब हम लोग ए निगेटिव के लिए देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ए निगेटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड, ए निगेटिव रहेगा तो ये पैराबोला मेरा बनेगा और ये किस पे कट करेगा, अल्फा और बीटा रूट्स को कट करेगा। अब देखिए एग्जैक्टली वन रूट तो यानी कि के वन मेरा यहाँ पे है और के टू जो है यहाँ पे है। तो हम लोग तो एक केस में ए निगेटिव ले रहे हैं तो ए निगेटिव रहेगा तो समझने के लिए इस पार्ट में निगेटिव, मिडिल पार्ट में पॉजिटिव और फिर क्या आएगा मेरा निगेटिव। तो आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि एफ ऑफ के वन क्या आएगा, तो मेरा एफ ऑफ के वन जो है क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा, तो एफ ऑफ के वन को निगेटिव लेंगे और एफ ऑफ के टू क्या आएगा, तो एफ ऑफ के टू आ जाएगा पॉजिटिव। तो मेरा ये जो है ग्राफ, तो ग्राफ जो है क्लियर हो गया। तो ग्राफ से हम लोग देख लिए, अब हम लोग को खुद से कंडीशन डिसाइड करना है कि कंडीशन ये दोनों ग्राफ को देखते हुए क्या कंडीशन हम लोग लेंगे। तो मेरा कंडीशन बनेगा, देखिए जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन क्या है पॉजिटिव है और एफ ऑफ के टू क्या है निगेटिव है। यहाँ देखिए ए जब निगेटिव है तो एफ ऑफ के वन क्या है निगेटिव है और एफ ऑफ के टू क्या है पॉजिटिव है। तो ए और एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इसमें किस में रिलेशन दिख रहा है, तो एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू में। जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है ए पॉजिटिव के लिए, और इस केस में जब ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के वन निगेटिव है और एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है। तो यही दोनों को हम लोग कंबाइंड करके लिखेंगे तो मेरा कंडीशन बनेगा एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज लेस देन जीरो, यही मेरा कंडीशन बना।
अब मेरा देखिए फोर्थ सिचुएशन क्या होगा। तो टाइप फोर में सिचुएशन ये है कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के। तो मेरा जो है टाइप फोर में सिचुएशन ये रहेगा कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के, मतलब दोनों रूट्स जो है क्या होगा, के से छोटा होगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, इसका ग्राफ समझिएगा। तो ग्राफ देखिए यहाँ पे, तो ग्राफ समझते हैं, ये आपका जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के, मतलब दोनों रूट जो है के से छोटा है। तो ए पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ये अपवर्ड, ये अल्फा और ये बीटा, और अल्फा बीटा दोनों किससे छोटा है, तो ये के से छोटा है, अल्फा बीटा दोनों के से छोटा है। अब यहाँ पे समझिएगा केस हम लोग क्या लिए हैं, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव लेंगे तो इस पार्ट में पॉजिटिव होगा, इस पार्ट में निगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो एफ ऑफ के वन क्या, एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये पॉइंट इसमें फाइंड करना होगा, ये मिड पॉइंट, तो ये अल्फा और बीटा का ये क्या है, रूट्स का ये मिड पॉइंट है। तो मेरा जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिड पॉइंट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए आएगा। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो ये माइनस बी बाई क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। अब समझिएगा, तो हम लोग तो ये ए पॉजिटिव के लिए लिए, अब ए निगेटिव के लिए देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है तो ये डाउनवर्ड बनेगा, तो ये अल्फा और ये बीटा, और आपका के यहाँ पे है, ए निगेटिव होगा तो इस पार्ट में निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के निगेटिव, और ये जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखिए मेरा सिचुएशन है कि दोनों रूट्स जो है के से क्या है, छोटा है, तो और इसमें ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे समझने के लिए देखिए, अगर ऐसा ग्राफ हो जाए, अगर ऐसा ग्राफ मेरा बने, ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों यहीं पे आ जाए, अल्फा बीटा दोनों यहीं पे आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा बीटा भी आ जाएगा, और ये माइनस बी बाई टू ए पे ये जीरो होता है। तो इस केस में ये ए पॉजिटिव के लिए है, तो यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव। आप देखिए ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये एक्स एक्सिस है। आप देखिए ये भी तो ग्राफ हो सकता है, अल्फा बीटा दोनों यहीं पे आ गया, अल्फा भी यहीं पे है बीटा भी यहीं है, और माइनस बी बाई टू ए पे इसका वैल्यू जीरो होगा। अब यहाँ देखिए के तो इधर है, अल्फा और बीटा दोनों से जो है बड़ा है के। अब ये जो है ए निगेटिव के लिए है, चूंकि डाउनवर्ड है तो ए निगेटिव होगा,
तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के आपका निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ को देखते हुए हम लोग कंडीशन क्रिएट करेंगे, तो कैसा कंडीशन बनेगा, तो कंडीशन समझना है। तो कंडीशन समझिएगा, हम लोग पीछे भी इस टाइप का ग्राफ पढ़े हैं, तो ग्राफ में हम लोग यही जानते हैं कि जब डी पॉजिटिव होता है तब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट करके उसका रूट्स निकालते हैं। तो पीछे का भी जो हम लोग तीन टाइप पढ़े हैं वो सब में डी पॉजिटिव ही था, तो वहाँ पे जो है डी पॉजिटिव का ही केस था, तो वहाँ पे डी को शामिल कीजिए या ना कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डी पॉजिटिव भी है और डी जीरो भी है। अब देखिए यहाँ पे ये रूट्स को कट कर रहा है, इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि डी पॉजिटिव है, यहाँ भी डी पॉजिटिव ही है, और ये दोनों जगह पे मेरा डी क्या है, जीरो है, डी जीरो है। तो देखिए पहला कंडीशन ये बनेगा कि डी या तो पॉजिटिव है या डी जीरो है, तो डी या तो पॉजिटिव है या जीरो है, पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए a इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इस केस में भी देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, a इंटू एफ ऑफ के मेरा बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए से k बड़ा है कि छोटा है, तो राइट साइड में k है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए से के क्या है, बड़ा है, तो माइनस बी बाई टू ए से बड़ा है के, तो ये तीनों होगा, तीनों कंडीशन होगा, ये भी कंडीशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि तीनों होगा इसलिए सिस्टम का साइन ले लेते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि इस तीनों इनक्वालिटी को सोल्व करके उसके बाद इंटरसेक्शन करा देना। तो मेरा जो है फोर्थ सिचुएशन ये है कि बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन के, जब दोनों रूट जो है के से छोटा रहेगा तब ये कंडीशन होगा। टाइप फाइव है, टाइप फाइव में ये है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझना है टाइप फाइव का, बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आर ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, जब दोनों रूट्स जो है के से बड़ा रहेगा। इससे ठीक पीछे हम लोग पढ़े थे कि जब दोनों रूट्स जो है के से छोटा रहेगा। अब यहाँ पे टाइप फाइव में जो है सिचुएशन ऐसा है मेरा कि दोनों रूट्स जो है के से क्या है, बड़ा है, तब इसका ग्राफ समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है ए पॉजिटिव के लिए लेते हैं सिचुएशन, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये अपवर्ड बनेगा, ये अल्फा और ये बीटा, और दोनों रूट जो है के से बड़ा है, इसका मतलब के जो है इधर है, के यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ये अल्फा और बीटा का ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए, अल्फा और बीटा का ये जो है मिड पॉइंट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट आ गया माइनस बी बाई टू ए। अब जो है दोनों रूट जो है के से बड़ा है, तो हम लोग ए पॉजिटिव के लिए क्या सिचुएशन देखेंगे, ए जब मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब डी पॉजिटिव रहेगा तभी उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स फाइंड होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे डी पॉजिटिव है, तो डी क्या है मेरा, पॉजिटिव है। अब ये ग्राफ देखिए, जब ए निगेटिव लेंगे
तो ए निगेटिव के लिए ऐसा बनेगा, ये अल्फ़ा और ये बीटा और के जो है यहाँ पे है। ए निगेटिव के लिए मेरा ऐसा ग्राफ बनेगा, ए निगेटिव के लिए, और अल्फ़ा और बीटा का मिड पॉइंट माइनस बी बाई टू ए होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए जब निगेटिव है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के भी निगेटिव, और डी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स फाइंड हुआ है, इसका मतलब डी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो ग्राफ बनेगा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों यहीं पे है और माइनस बी बाई टू ए पे जीरो है, यानी कि डी इसका क्या है, जीरो है। तो देखिए यहाँ पे ये ए जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है, और डी तो यहाँ पे जीरो है, तो डी जीरो हो गया। ये भी तो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए के इधर है, अब ए निगेटिव के लिए लेंगे, ए निगेटिव के लिए तो ये डाउनवर्ड बनेगा, तो ऐसा ग्राफ मेरा बनेगा, अल्फा बीटा दोनों यहीं पे आएगा और माइनस बी बाई टू ए पे ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए निगेटिव है, एफ ऑफ तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के क्या आएगा, निगेटिव, और डी क्या है, जीरो है। अब इस ग्राफ को देखते हुए आपको क्या बताना है, इसका कंडीशन बताना है कि कंडीशन क्या बनेगा। तो कंडीशन देखिए, या तो डी पॉजिटिव है या डी जीरो है, तो पहला कंडीशन मेरा क्रिएट होगा कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन होगा। अब देखिए ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के निगेटिव इंटू निगेटिव, तो पॉजिटिव। तो सेकेंड मेरा आएगा ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। अब देखिए तो k का वैल्यू जो है माइनस बी बाई टू ए से क्या है, छोटा है, तो माइनस बी बाई टू ए क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए आपका जो आएगा वो ग्रेटर देन k आएगा, तो तीनों कंडीशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिस्टम का साइन लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन करा देना है। बात समझ में आया, देखिए सिक्स टाइप सिक्स में सिचुएशन क्या बनेगा, टाइप सिक्स का सिचुएशन है बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो टू लाई बिटवीन के वन एंड के टू, बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो टू लाई बिटवीन के वन एंड के टू, मतलब दोनों रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों रूट जो है के वन और के टू के बीच में है। तो इसका ग्राफ पहले समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ समझिए, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है, और जब रूट्स का बात होगा इसका मतलब डी तो कन्फर्म पॉजिटिव है। अब ए पॉजिटिव के लिए लेते हैं, तो ए पॉजिटिव लेंगे तो ग्राफ मेरा अपवर्ड बनेगा, ये अल्फा और ये बीटा, मतलब दोनों रूट्स जो है के वन और के टू के बीच में है। मतलब यहाँ पे समझने के लिए मेरा के वन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, के टू आ गया, ये के वन है और ये के टू है, तो दोनों रूट्स जो है के वन और के टू के बीच में है। अब मेरा पहला जो है ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ देखे हैं, ए पॉजिटिव हो गया।
अब ये तो अल्फा बीटा का मिड पॉइंट आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए। अब इस पार्ट में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे समझने के लिए पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जब ए पॉजिटिव है तो ये पार्ट और ये पार्ट में ए और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सेम होगा और इस पार्ट में अपोजिट होगा। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के वन मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एफ ऑफ के टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ के टू भी मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, और डी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो मेरा ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसमें ये एक्स एक्सिस है, अब ए निगेटिव के लिए देखेंगे तो डाउनवर्ड ये अल्फा और ये बीटा, इधर आपका के वन है इधर आपका के टू है, और अल्फा बीटा का मिड पॉइंट आ जाएगा माइनस बी बाय टू ए। अब जब ए निगेटिव है तो इस पार्ट में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के वन क्या आएगा, तो एफ ऑफ के वन आप ही लोग सोचिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के वन निगेटिव, एफ ऑफ के टू क्या आएगा एफ ऑफ के टू भी निगेटिव आएगा, और डी तो मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, चूंकि जब डी पॉजिटिव नहीं रहेगा तो इसका रूट से नहीं फाइंड होगा, तो डी मेरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए और भी ग्राफ पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए अल्फा बीटा दोनों यहीं पे आ जाए, इधर के वन हो गया इधर के टू हो गया, अल्फा भी है बीटा भी है, अब माइनस बी बाई टू ए पे इसका वैल्यू जीरो होगा, तो ये अपवर्ड है तो यानी कि ए मेरा पॉजिटिव है। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के वन क्या आएगा पॉजिटिव, एफ ऑफ के टू क्या आएगा ये भी पॉजिटिव, और डी तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है तो डी क्या है जीरो है। आप समझिएगा, अब हम लोग ए निगेटिव के लिए लेंगे, तो ए निगेटिव के लिए लेंगे तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ए निगेटिव के लिए इधर मेरा के वन आ गया इधर मेरा के टू आ गया, अल्फा बीटा माइनस बी बाई टू ए। आप देखिए यहाँ पे कि ए निगेटिव है, ए जब निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एफ ऑफ के वन मेरा क्या होगा निगेटिव होगा, एफ ऑफ के टू क्या होगा निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, और डी तो यहाँ पे जीरो है ही तो डी जीरो है। अब इस ग्राफ को देखते हुए कंडीशन क्रिएट करना है, तो कंडीशन क्या बनेगा, तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगा कि या तो डी पॉजिटिव है मेरा या डी जीरो है, तो पहला कंडीशन डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड में समझिए ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या है पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या है निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ के वन मेरा क्या बनेगा पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के टू मेरा क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के टू क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ के टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे समझिएगा कि K1 से बड़ा तो माइनस बी बाई टू ए है लेकिन K2 से क्या है छोटा है, मतलब K1 और K2 के बीच में माइनस बी बाई टू ए है यहाँ पे, तो K1 से बड़ा होगा और K2 से छोटा होगा, तो ये हो जाएगा K1 से बड़ा माइनस बी बाई टू ए और इससे बड़ा मेरा हो जाएगा K2। तो
तो ये भी कंडीशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो सबको जो है सोल्व करके और इंटरसेक्शन कराना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम का साइन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि सारे इनक्वालिटी को सोल्व करके उसके बाद इंटरसेक्शन कराना है। तो छह टाइप का प्रोफाइल आप लोग को बता दिए हैं। अब इसका जो है सिचुएशन, ग्राफ और कंडीशन, पहले इसको जो है लिख के और इस सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये छह टाइप पे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा यही छह प्रोफाइल पे आपको जो है पूछा जाएगा। तो पहले सिचुएशन समझिए, ग्राफ समझिए और कंडीशन समझिए। हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए फोर बीज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सच डेट वन रूट इज ग्रेटर देन थ्री एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन थ्री। मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन का सिचुएशन समझना है कि किस सिचुएशन का हमको क्वेश्चन दिया है और क्या कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे समझिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है मेरा, ये एफ ऑफ एक्स इसको मान लिए। अब यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को कि वन रूट इज ग्रेटर देन थ्री एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन थ्री। मतलब एक रूट जो है तीन से बड़ा है और दूसरा रूट जो है थ्री से छोटा है। मतलब यहाँ समझिए कि एक रूट जो है थ्री से छोटा है और दूसरा रूट जो है थ्री से बड़ा है। मतलब कि थ्री जो है अल्फा और बीटा के बीच में है। तो ये कौन सा सिचुएशन है? तो फर्स्ट टाइप के सिचुएशन में बताए थे कि के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब थ्री जो है अल्फा और बीटा के बीच में है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट टाइप में सिचुएशन पढ़े हैं। क्या सिचुएशन पढ़े थे? हम लोग ये सिचुएशन पढ़े थे कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखिए तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे है समझने के लिए वन और k का वैल्यू क्या है थ्री है। अब a के स्थान पे जो है वन और k के स्थान पे थ्री रख के इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये वन इंटू एफ ऑफ थ्री इज लेस देन जीरो, यानी कि एफ ऑफ थ्री इज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ थ्री कहाँ से फाइंड करेंगे? तो इसी में x के स्थान पे थ्री पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए माइनस वन इंटू थ्री प्लस ए प्लस फाइव इज लेस देन जीरो। ये नाइन प्लस सिक्स ए माइनस सिक्स प्लस ए प्लस फाइव इज लेस देन जीरो। ये आपका आ जाएगा सेवन ए प्लस एट इज लेस देन जीरो। सेवन ए इज लेस देन माइनस एट, ए इज लेस देन माइनस एट बाई सेवन। यही आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हम लोग जो सिक्स प्रोफाइल पढ़े हैं उसी में से जो है कोई ना कोई टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है, उसके बाद सिचुएशन समझना है कि क्या सिचुएशन है, और सिचुएशन के बाद उसका कंडीशन लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे समझिएगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज स्मॉलर देन वन एंड द अदर ग्रेटर देन टू। मतलब यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें इसको पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
a माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए माइनस फोर, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ते हुए सिचुएशन देखना है कि किस सिचुएशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे एक रूट जो है वन से छोटा है और दूसरा रूट जो है टू से बड़ा है, मतलब एक रूट जो है वन से छोटा है और दूसरा रूट जो है टू से बड़ा है। मतलब यहाँ समझिएगा, समझने के लिए, एक रूट वन से छोटा है मतलब अल्फा यहाँ है और वन यहाँ है, एक रूट जो है वन से छोटा है और दूसरा रूट जो है वो टू से बड़ा है, मतलब टू यहाँ है तो इससे बड़ा क्या है, बीटा। अब समझिएगा कि प्रोफाइल नंबर क्या है, तो टाइप नंबर टू में बताए थे कि के वन एंड के टू लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब के वन और के टू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में लाई करता है। तब हम लोग जो है क्या कंडीशन यूज किए थे, तो इसके लिए हम लोग ये कंडीशन यूज किए थे, a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो और a इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो। तो मेरा तो यही कंडीशन था, जब बताए थे कि k1 और k2 दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रहे, तो ये कंडीशन हम लोग बनाए थे। अब इसी को सोल्व करके और इंटरसेक्शन करा देना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a माइनस फाइव, k1 क्या है 1 और k2 क्या है 2 है। अब इसी को सोल्व कीजिए, a के स्थान पे रखिए a माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ के वन, यानी कि एफ ऑफ वन लेस देन जीरो, ए के स्थान पे ए माइनस फाइव, अब एफ ऑफ के टू यानी कि यहाँ पे हम लोग टू रखते हैं। सोल्व कीजिए, ए माइनस फाइव एफ ऑफ वन कैसे निकलेगा, एफ ऑफ वन तो एफ ऑफ एक्स में यहाँ एक्स के स्थान पे वन रख दीजिए तो एफ ऑफ वन निकल जाएगा। a माइनस फाइव इंटू वन का स्क्वायर तो वन और माइनस ये आ जाएगा टू ए प्लस ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो। a माइनस फाइव, अब यहाँ पे देखिए f ऑफ टू निकालना है तो x के स्थान पे टू रखिए, a माइनस फाइव इंटू टू का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा फोर और माइनस ये क्या आ जाएगा 4a प्लस a माइनस फोर इज लेस देन जीरो। इसी को सोल्व कर रहे हैं, a माइनस फाइव इंटू ये हो जाएगा 2a से 2a कैंसिल तो ये आ जाएगा माइनस नाइन इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखिए a माइनस फाइव, अब ये हो जाएगा 4a, 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a और माइनस 4 लेस देन जीरो। 4a से 4a कैंसिल, a माइनस फाइव और माइनस नाइन जो है निगेटिव है तो निगेटिव से डिवाइड करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये a माइनस फाइव इंटू ये a माइनस क्या आ जाएगा 24 लेस देन जीरो। तो a इज ग्रेटर देन फाइव, अब इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू जो है 5 और 24 के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सोल्व हो गया और ये सिंबल जो है सिस्टम का सिंबल है, इसका मतलब जब सोल्व हो गया तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, तो इंटरसेक्शन करा दे रहे हैं। ये 5 है ये 24, a का वैल्यू 5 से बड़ा है
तो 5 से बड़ा इधर आएगा, ए का वैल्यू 5 और 24 के बीच में है, तो यही आ जाएगा। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू 5 से 24 के बीच में आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3। जैसे यहाँ देखिए इसका एक रूट जो है 1 और 3 के बीच में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स लिखिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2a-1 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 5, ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ के सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि क्या सिचुएशन है। तो कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल, मतलब एक रूट जो है इस इंटरवल में है, मतलब ये सिचुएशन है कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब एक रूट जो है इसके बीच में है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, मतलब एक रूट जो है इसके क्या है, बीच में है। एग्जैक्टली वन रूट जो है अल्फा और बीटा के बीच में है। तो सिचुएशन नंबर 3 में बताए थे कि जब एग्जैक्टली वन रूट रहेगा क्वाड्रेटिक इसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, जैसे एक रूट रहेगा, तो इसके लिए सिचुएशन क्या बताए थे कि ऐसा सिचुएशन रहेगा तो मेरा कंडीशन हो जाएगा ये कंडीशन बताए थे कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0, ये कंडीशन बताए थे। तो यहाँ पे के वन का वैल्यू क्या है, 1 है, और के टू का वैल्यू क्या है, 3 है, और ए का वैल्यू क्या है, 1 है, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसी सब का वैल्यू रख के सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ के वन यानी कि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ 1 कैसे फाइंड होगा, इसमें x के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए प्लस 5। एफ ऑफ 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू 3 प्लस ए प्लस 5, इज लेस देन 0। अब इसी को सोल्व कर देना है, तो यह आ गया 1 प्लस 2a माइनस 2 प्लस ए प्लस 5 इंटू ये 9 प्लस 6a माइनस 6 प्लस ए प्लस 5 इज लेस देन 0। यह आ जाए आपका 3a प्लस 4 और ये आ जाएगा आपका 7a अब प्लस ये आ जाएगा आपका 8 इज लेस देन 0। अब इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस 4 बाई 3, यहाँ से 7 कॉमन कर लीजिए, 7 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 8 बाई 7 इज लेस देन 0। अब हम लोग जो है 3 × 7 21 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस 4 बाई 3 इंटू ए प्लस 8 बाई 7 इज लेस देन 0। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई 3 से बड़ा और माइनस 8 बाई 7 से छोटा।
यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी। मतलब सबसे पहले क्या बताए हैं कि जो यहाँ पे इक्वेशन रहता है इसको पहले लेफ्ट साइड को f ऑफ x लिख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन। अब जो है क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मेरा सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि बोथ रूट ऑफ इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी, मतलब दोनों रूट्स जो है वन से क्या है छोटा है। मतलब यहाँ समझने के लिए कि यहाँ पे वन है और ये अल्फा बीटा है, मतलब दोनों रूट्स जो है वन से छोटा है। तो बताए थे हम लोग कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आर लेस देन के, मतलब दोनों रूट्स जब के से छोटा रहता था, यानी कि प्रोफाइल नंबर फोर में बताए थे कि दोनों रूट्स जब जो है के से छोटा रहेगा तो मेरा कंडीशन क्या बनेगा। तो इस केस में कंडीशन ये बनेगा पहला बताए थे कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, a इंटू एफ ऑफ के जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, अब माइनस b बाई टू ए से जो है बड़ा हो जाएगा आपका k। अब तीनों को जो है सोल्व करना है, इसीलिए सिस्टम का साइन लिए थे। अब यहाँ पे जो है k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू वन है, a का वैल्यू क्या है वन है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो पहले d फाइंड करते हैं, तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ए के स्थान पे वन है, वन इंटू एफ ऑफ के यानी कि एफ ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो माइनस बी, तो b के स्थान पे क्या हो जाएगा m बाई टू इज लेस देन वन। इसी को आपको सोल्व करना है, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, एफ ऑफ वन निकालना है। तो एफ ऑफ वन फाइंड करने के लिए इसी में x के स्थान पे वन रख दीजिए, तो वन का स्क्वायर वन माइनस एम प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, एम इज लेस देन टू। ये मॉड m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू हो जाएगा, ये टू माइनस m ग्रेटर देन जीरो, m इज लेस देन टू, m इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू और m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। अब यहाँ पे m इज लेस देन टू और m इज लेस देन टू। अब हम लोग जो है सबको सोल्व कर लिए, अब सोल्व करने के बाद क्या कराना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन करा दीजिए। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस टू और ये टू, एम का वैल्यू या तो माइनस टू है या माइनस टू से छोटा है, एम का वैल्यू टू है या टू से बड़ा है, एम का वैल्यू टू से छोटा है, एम का वैल्यू टू से छोटा है। अब देखिए कॉमन वैल्यू देखना है, तो यही ना मेरा कॉमन आ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, तो कॉमन वैल्यू यही आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बिलोंग्स टू रियल नंबर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एम एक्स प्लस नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एक्सीड थ्री। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको पहले f ऑफ x लिख लीजिए, पहले इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एम एक्स प्लस नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों रूट्स जो है दोनों रूट्स क्या है थ्री से बड़ा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों जो है थ्री से बड़ा है। समझने के लिए ऐसा है आपका कि थ्री से बड़ा अल्फा भी है और बीटा भी है,
तो प्रोफाइल नंबर 5 में बताए थे कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन के, मतलब दोनों रूट्स जब के से बड़ा रहेगा तो मेरा क्या कंडीशन बनेगा। तो कंडीशन को लिखते हैं, तो पहला कंडीशन ये बनता है मेरा कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। अब माइनस b बाई 2a से बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई 2a बड़ा होगा k से, ये सिस्टम का सिंबल है। मतलब ये तीनों को सोल्व करके आपको इंटरसेक्शन कराना है। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है। अब ये यहाँ पे जो है सोल्व करके आपको इंटरसेक्शन कराना है। सोल्व करते हैं तो d फाइंड कीजिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ के, तो k का वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन 0, माइनस b बाई 2a, तो यानी कि 6m बाई 2 इज ग्रेटर देन 3, माइनस b यानी कि 6m बाई 2 इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए, 36m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 6m ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ये 3, 6। अब देखिए f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसी को सोल्व कीजिए, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, 8m इज ग्रेटर देन क्या जाएगा, 8m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये m इज ग्रेटर देन 1, f ऑफ 3 इसी में जो है x के स्थान पे 3 रखिए, तो यह आ जाएगा आपका 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आ गया 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये आ जाएगा 9m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 माइनस 11 m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, 9m माइनस 11 इंटू m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1, 9 कॉमन कर लीजिए तो m माइनस 11 बाई 9 इंटू m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 1, 9 से डिवाइड कर दीजिए, m माइनस 11 बाई 9 इंटू m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये सोल्व हो गया। m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, m इज ग्रेटर देन 1,
और m का जो वैल्यू आएगा वो 1 से m इज लेस देन आ जाएगा 1 और m इज ग्रेटर देन 11/9। सॉल्व हो गया। अब इसी का इंटरसेक्शन करा देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11/9 है। m का वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ा है। फिर m का वैल्यू 1 से बड़ा है, m का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है, तो इसमें कॉमन वैल्यू आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यही आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 4x² - 2x + a = 0 हैज टू रूट्स लाई इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। मतलब देखिए, सबसे पहले बताए हैं कि जो इक्वेशन दिया रहता है उसके लेफ्ट साइड को जो है LHS को जो है f ऑफ x मान लेते हैं, तो इसको f ऑफ x मानते हैं। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 4x² - 2x + a। अब यहाँ पे जो है सिचुएशन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ के सिचुएशन को समझना है कि कौन सा सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, इसका दोनों रूट्स जो है इस इंटरवल के बीच में है, मतलब दोनों रूट्स अल्फा और बीटा जो है -1 और 1 के बीच में है। तो प्रोफाइल नंबर 6 बताए थे, टाइप 6, कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो उसके लिए क्या कंडीशन बताए थे, कंडीशन ये बताए थे कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के वन का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के टू का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और के वन से बड़ा -b/2a होना चाहिए और इससे बड़ा K2 होना चाहिए। सभी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिस्टम का साइन लेते हैं। अब इसके अंदर जो कंडीशन है सबको सोल्व करके इंटरसेक्शन करा देना है। अब यहाँ समझने के लिए K1 का वैल्यू जो है -1 है, K2 का वैल्यू जो है 1 है और a का वैल्यू जो है 4 है। a का वैल्यू क्या है, 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका d फाइंड कीजिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए a, तो a के जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 इंटू एफ ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0, a यानी कि 4 इंटू एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। अब K1 यानी कि -1 से बड़ा और -b, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 × 4 और इससे बड़ा क्या है, 1 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 - 4a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कीजिए तो f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, -1 से बड़ा 1/4 है और इससे बड़ा 1 है। तो 1/4 जो है, 1/4 जो है -1 और 1 के बीच में आएगा। तो ये सिस्टम के अंदर जो है ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो सिस्टम के अंदर जो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहता है उसको हटा देते हैं। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पे जो है f ऑफ -1 कैसे फाइंड होगा, इसी में x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो ये 4 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो है x के स्थान पे 1 रखिए, तो 4 - 2 + a इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए कि 4a इज लेस देन इक्वल्स टू 1,
और ये हो जाएगा 6 + a > 0, 2 + a > 0, a < ≤ 1/4, a > -6 और a > -2। अब ये जो सिस्टम के अंदर जो कंडीशन था उसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके इंटरसेक्शन करा देते हैं। तो इंटरसेक्शन कराइए, ये हो गया -6 - 2 / 1/4। ए का वैल्यू जो है -1/4 से, ए का वैल्यू -1/4 से क्या है, छोटा है। अब देखिए ए का वैल्यू जो है 6 है या 6 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू -2 है या उससे बड़ा है। अब इसमें देखिए तो कॉमन वैल्यू क्या आएगा, तो ये -2 से 1/4 के बीच में इसका वैल्यू आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 से 1/4 पे क्लोज हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन x²-2mx + m²-1 = 0 आर >-2 but < 4 लाइ इन द इंटरवल। मतलब जो बताना है कि किस इंटरवल में होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है बताए हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे गिवन रहे उसके लेफ्ट साइड को यानी कि LHS को f(x) पहले लिखिए। तो f(x) = ये x²-2mx + m²-1 है। अब जो है क्वेश्चन को पढ़ के और यहाँ पे सिचुएशन समझिए कि किस सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, दोनों रूट जो है -2 से क्या है बड़ा है, मतलब यहाँ पे -2 है तो इससे बड़ा अल्फा भी है और बीटा भी है, लेकिन 4 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे फिर जो है कंडीशन क्या बनेगा कि बोथ रूट ऑफ f(x) = 0 टू लाई बिटवीन k1 एंड k2, मतलब दोनों रूट्स जो है k1 और k2 के बीच में है। दोनों रूट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, k1 और k2 के बीच में। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ये कंडीशन हो जाएगा वी नो डैट, इसके लिए आपका d > = क्या होना चाहिए 0, a * f(k1) क्या होना चाहिए पॉजिटिव, a * f(k2) क्या होना चाहिए पॉजिटिव, उसके बाद k1 से बड़ा -b/2a होगा और इससे बड़ा k2 होगा। अब यहाँ पे जो है सारे को सोल्व करके इंटरसेक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा d फाइंड करते हैं, तो b²-4ac > 0 a, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है समझने के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे k1 के जगह पे -2 है, k2 के जगह पे 4 है और a के स्थान पे क्या है आपका 1 है यहाँ पे। अब देखिए 1 * f(k) = 1 > f(1) > 0, 1 * f(-2) = 0, 1 * f(4) = 0, k1 तो -2 से बड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 2m/2, इससे बड़ा आपका हो जाएगा 4। अब इसी को सोल्व करते हैं, तो ये 4m² - 4m² + 4 = 0। अब f(-2) इसी में जो है x के स्थान पे -2 रखिए, तो ये 4 + 4m + m²-1 = 0। अब इसी में x के स्थान पे 4 रखिए, तो ये 16 - 8m + m²-1 = 0। अब यहाँ पे -2 से बड़ा m हो जाएगा और इससे बड़ा आपका हो जाएगा 4। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, 4 > 0। अब ये हो जाएगा आपका m²+4m+3 = 0, m²
-8m +15 इज ग्रेटर देन 0, -2 से बड़ा m और m से बड़ा 4 है। अब देखिए 4 जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन 0 से बड़ा तो होता है, तो ये सिस्टम के अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 3m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 5m प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0। अब ये -2 से बड़ा m है और इससे बड़ा 4 है, m कॉमन कर लीजिए तो m प्लस 1, प्लस 3 कॉमन करते हैं तो m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, m कॉमन कीजिए तो m माइनस 3 माइनस 5 m माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और ये -2 से बड़ा m है और इससे बड़ा 4 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू एम प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, m का वैल्यू जो है -2 और 4 के बीच में है। अब उसी को सोल्व करते हैं तो m का वैल्यू आ जाएगा लेस देन आ जाएगा -3 और m इज ग्रेटर देन -1 और यहाँ पे m इज लेस देन 3 और m इज ग्रेटर देन 5 और -2 और 4 के बीच में m का वैल्यू है। अब इसी का इंटरसेक्शन कराते हैं, -3 -2 -1 उसके बाद ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। m का वैल्यू -3 से छोटा है, m का वैल्यू -1 से बड़ा है, m का वैल्यू 3 से छोटा है, m का वैल्यू 5 से बड़ा है, m का वैल्यू -2 और 4 के बीच में है, तो कॉमन वैल्यू यही ना आ जाएगा, यही कॉमन है तो m का वैल्यू आ जाएगा -1 और 3 के बीच में। ऑप्शन के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 से बड़ा m है और m से बड़ा 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है एंड दे लाई इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 1 से 5 के बीच में, देन m लाई इन द इंटरवल, तो m जो है किस इंटरवल में लाई करेगा, तो सबसे पहला काम इसको f ऑफ x मानते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि रूट्स जो है इसका रियल और डिस्टिंक्ट है और 1 और 5 के बीच में है, मतलब 1 और 5 के बीच में ही अल्फा बीटा है, 1 और 5 के बीच में ही अल्फा बीटा है, यानी कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू लाई बिटवीन के 1 एंड के 2। तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं, तो हम लोग कंडीशन जानते हैं, ये कंडीशन होगा कि d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a इंटू एफ ऑफ के 1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के 2 ग्रेटर देन 0, और के 1 से बड़ा होगा -b/2a और इससे बड़ा हो जाएगा के 2। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, के 1 का वैल्यू 1 है, के 2 का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। गलत क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि इसका जो क्या दिया हुआ है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू हटा देते हैं। अब इसको सोल्व करना होगा, बात समझ में आया, यहाँ से इक्वल्स टू का साइन क्यों हटाए, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए d इज ग्रेटर देन 0 ही हम लोग लेते हैं। अब सोल्व कीजिए,
तो डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर और माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। ए का वैल्यू वन है तो वन इंटू एफ ऑफ वन पॉजिटिव होगा, ए का वैल्यू वन है वन इंटू एफ ऑफ फाइव भी पॉजिटिव होगा। अब के वन यानी कि वन से बड़ा जो है माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई यानी कि एम बाई क्या हो जाएगा टू और इससे बड़ा फाइव हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करते हैं, सोल्व कर लीजिए तो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, एफ ऑफ वन निकालना इसी में जो है x के स्थान पे वन रखी तो वन माइनस एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ फाइव निकालिए तो ये 25 माइनस फाइव एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे टू जो है पॉजिटिव है तो टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू से बड़ा m होगा, m से बड़ा 10 हो जाएगा तो मॉड m इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और ये 5 माइनस m इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 29 माइनस 5m ग्रेटर देन 0, 2 से बड़ा m है और इससे बड़ा 10 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं m का वैल्यू m इज लेस देन माइनस 4 और m इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे जो है m से बड़ा हो गया 5 से बड़ा, ये इसको इधर ले जाते हैं 29 से बड़ा हो गया, 29 बड़ा हो गया 5m से, 2 से बड़ा m है और m से बड़ा 10 है। m इज लेस देन माइनस 4 और m इज ग्रेटर देन 4, m इज लेस देन 5, m इज लेस देन 29 अपॉन 5 और 2 से बड़ा m है, m से बड़ा 10 है। इसी का इंटरसेक्शन करा देते हैं, सोल्व हो गया। अब इंटरसेक्शन करा दीजिए माइनस 4 ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये 29 बाई 5 और ये हो गया 10। अब देखिए m का वैल्यू जो है माइनस 4 से छोटा है, m का वैल्यू 4 से बड़ा है, m का वैल्यू 5 से छोटा है, m का वैल्यू जो है 29 अपॉन 5 से छोटा है। अब देखिए m का वैल्यू 2 और 10 के बीच में है। अब इसमें देखिए तो कॉमन वैल्यू क्या है, सब में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, तो ये पार्ट यही पार्ट ना सब में आ रहा है, यानी कि 4 से 5 के बीच में हो जाएगा। तो m बिलोंग्स टू 4 ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 टू 5, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, m का वैल्यू जो है 4 और 5 के बीच में आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी।